जय हिंद दोस्तों, मैं जुअल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी पर, जहां ना बात होगी डर की, ना अंधविश्वास की, बात होगी केवल और केवल विज्ञान की। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भृगु नंदी नाड़ी के सभी चार्ट हिंदी में आपके साथ शेयर करने की, उनको डिकोड करने की कोशिश करूंगा, और उसी सीरीज में आज भृगु नंदी नाड़ी के फिफ्थ चार्ट पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। अभी तक मैंने चार चार्ट आपके साथ शेयर किए हैं, उनके अंदर जो प्रिडिक्शन दिया गया है उसका क्या कारण है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। होपफुली आपने वो वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम फिफ्थ चार्ट पर बात करेंगे। भृगु नंदी नाड़ी एक ऐसी बुक है जो कि बहुत ही अच्छी ज्योतिष शास्त्र की बुक होने के साथ साथ इतनी गहराई के साथ लिखी गई है, इतने सीक्रेट फॉर्मूलाज के साथ लिखी गई है कि उसको हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसे कि आप इसी चार्ट में लीजिएगा, इस चार्ट में ऋषि लिखते हैं, आरजी राव जी लिखते हैं, द कंजक्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड केतु मेड हिम इंटेलिजेंट। बुध और केतु का योग इस व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है। तो क्या केवल बुध और केतु का योग अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में होगा तो वो इंटेलिजेंट होगा? ऐसा नहीं है। जब भी हमें किसी के बौद्धिक स्तर को जांचना होगा तो हमें बुध के ऊपर अन्य प्रभाव को भी देखना होगा। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जब तक बुध के ऊपर गुरु और शुक्र का प्रभाव नहीं आएगा तब तक कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु एक ब्लेसिंग है और शुक्र ज्ञान है। गुरु नौ भाव का स्वामी हो है, धर्म का ज्ञान देता है आपको, आपका टीचर है। अभी बुध हो गई आपकी बुद्धि, आप कितने भी अच्छी बुद्धि वाले हों, जब तक आपकी बुद्धि पर या आपके व्यवहार पर आपके गुरुओं का प्रभाव नहीं है तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते, और जो व्यक्ति सही डायरेक्शन में नहीं है आप उसको इंटेलिजेंट कह ही नहीं सकते। और दूसरा शुक्र, शुक्र बहुत ही सीक्रेट नॉलेज को शो करता है। बुध और शुक्र के योग वाले अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इंटेलिजेंट पाए जाएंगे। अब बुध पर गुरु और शुक्र का प्रभाव होना अगर जरूरी है तो इस कुंडली में किस तरह से बनता है? मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर किसी भी ग्रह से 11 भाव में लाभ भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो नाड़ी में माना जाता है कि उस ग्रह की दृष्टि है, और लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह हमेशा फायदा देते हैं। तो अब आप यहां बुध को लग्न बना लीजिएगा। बुध को जब आप लग्न बनाते हैं तो आप देखेंगे बुध से लाभ भाव में गुरु है और शुक्र है, यानी कि बुध के ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि है, डायरेक्शनल दृष्टि है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइन में बैठे हैं। ये उत्तर में बैठा है तो ये दक्षिण में बैठा है, और जब कोई दक्षिण में बैठा है तो उत्तर में बैठने वाला व्यक्ति उसको इजिली देख सकता है। तो गुरु और शुक्र की दृष्टि बुध पर आ गई, तो यानी कि बुध पर ये एक पॉजिटिव प्रभाव है, यहां पर ये नेटिव इंटेलिजेंट हो सकता है। अब इंटेलेक्चुअल लेवल भी किस तरह का, बहुत हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल लेवल होने के लिए क्या चाहिए? अब आप देखिएगा, एक व्यक्ति इंटेलिजेंट तो है मगर वो बहुत अच्छा सोच नहीं पाता, उसके पास सूक्ष्म एनालिसिस करने की पावर नहीं है, तो आप उसको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। अब आप यहां देखिएगा, बुध के ऊपर केतु का प्रभाव है, और केतु जो शो करता है वो बहुत ही सूक्ष्मता को शो करता है। जब भी आप देखेंगे बुध के ऊपर केतु का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म एनालिसिस करने में सक्षम होते हैं। जब तक बुध के ऊपर केतु का प्रभाव नहीं आएगा तब तक कोई व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्मता के साथ किसी चीज को न सोच सकता है न समझ सकता है। बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं बुध और केतु के संयोग वाले। अब योग बना बुध गुरु शुक्र और केतु का। अब एक व्यक्ति इंटेलिजेंट भी है, बाल की खाल भी निकाल सकता है, मगर उसके पास एक अच्छा तर्क नहीं होगा, उसके पास एक्सप्रेस करने की शक्ति अच्छी नहीं होगी, तो आप उसको फिर भी इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। तो एक्सप्रेस करने की शक्ति कौन देता है? एक्सप्रेस करने की शक्ति देता है मंगल। जब तक बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति लॉजिक दे ही नहीं सकता, तर्कशास्त्री हो ही नहीं सकता। इसलिए बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव होना भी जरूरी है। और आप देखेंगे बुध के ऊपर मंगल की सप्तम दृष्टि है, जिस वजह से इस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की शक्ति भी है। और इसी वजह से ऋषि ने यहां लिखा है, श्री आरजी राव जी ने यहां लिखा है कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। जब तक बुध के ऊपर इस तरह के प्रभाव नहीं होंगे तब तक कोई व्यक्ति साधारण बुद्धि वाला हो सकता है मगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हमें पांच भाव और पंचमेश को भी एक बार जरूर देखना होता है, क्योंकि
जब तक आपका पांच भाव और आपका पंचमेश स्ट्रांग नहीं होगा तब तक भी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। बुध तो फिक्स कारक हो गया, पंचमेश आप इस चार्ट में देखेंगे तो खुद बुध है और पांच भाव पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बल्कि चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पर है और चंद्र परिवर्तन से आप इस चार्ट में देखेंगे गुरु और चंद्र का परिवर्तन है। चंद्र परिवर्तन से बुध के लाभ भाव में आ जाता है, यानी कि चंद्र का भी प्रभाव बुध पर है। और चंद्र का प्रभाव बुध पर क्या प्रभाव देता है, चंद्र आपका मन है, आप कुछ भी सोचेंगे सूक्ष्मता के साथ एनालिसिस करें या कुछ तर्क दें, आपको विचार तो करना पड़ेगा ना, तो वो विचार करने की शक्ति देता है चंद्र। तो बुध के ऊपर जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे उतना ही कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। आप यहां देखिएगा कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, बुध यहां पर उचका होकर बैठा है, बुध के साथ केतु बैठा है और बुध की ही राशि में बैठा है। जब भी बुध की राशि में केतु बैठेगा तो वो शो करता है लिखा पढ़ी को, इंटेलिजेंस को। उसके लाभ भाव में गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है और मंगल की दृष्टि है और मंगल यहां पर बहुत नेगेटिव प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। उसका रीजन क्या है कि मंगल कंट्रोल है राहु और गुरु के द्वारा। मंगल के पंचम भाव में बैठा है गुरु और शुक्र और मंगल को जो कंट्रोल कर रखा है वो राहु ने कर रखा है, मीन राशि का मंगल है। तो ऐसे में मंगल नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये नेटिव बहुत ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पाया गया। अगली लाइन ऋषि लिखते हैं, ही लिव्स इन ए कैपिटल सिटी एंड हैज वॉन नेम एंड फेम। सबसे पहली बात, नाड़ी में किस तरह से जानते हैं कि कोई व्यक्ति का जन्म कहां होगा या कहां रहेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नाड़ी में आप बर्थ चार्ट देखकर किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का एक एक क्षण का प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कि इसका जन्म कैसी स्थिति में हुआ, ये कैसे शहर में रहेगा। वो टेक्निक क्या है, ये मेल चार्ट है, तो मेल चार्ट है तो अपने गुरु को लग्न बना लिया। अब जहां जिस स्थिति में गुरु होगा, जिस तरह के प्रभाव गुरु के ऊपर होंगे उसी तरह का उसका एटमॉस्फेयर होगा, उसके आसपास के लोग होंगे। तो गुरु यहां बैठा है कर्क राशि में, कर्क का गुरु है। अब आप गुरु से दो भाव देख लीजिएगा और गुरु के साथ कौन बैठे हैं, गुरु के साथ बैठा है शुक्र, शुक्र शो करता है धन को और गुरु से दो भाव में है सिंह राशि, सिंह राशि शो करती है बड़े शहर को। और स्पेशली जब सिंह राशि में सूर्य बैठा हो, अगर सिंह राशि में सूर्य बैठ गया तो सिंह राशि के कारक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। अगर यहां से सूर्य हट जाए तो ये नेटिव बहुत अच्छे शहर में नहीं रहेगा। दूसरा एक चीज आप देखिएगा, यहां लग्न को लिया गया है और लग्न शो करता है आपका शरीर, आपका जन्म स्थान। चार भाव भी आपके जन्म स्थान को शो करता है, आपके घर को शो करता है। और जब हमारे पास लग्न नहीं होता तो उसकी एक टेक्निक है, आप गुरु को लग्न बनाइएगा और गुरु से चार भाव को लग्न बनाइएगा। आप यहां सारे प्रभाव देख लीजिएगा, लग्न पर सूर्य की दृष्टि है, चार भाव से दो भाव में, दूसरे भाव में सूर्य बैठा है वो भी सिंह राशि का। और गुरु को भी अगर आप लग्न बनाते हैं तो गुरु से जो चार भाव का स्वामी है, जो उसके घर का स्वामी है, वो भी कर्क राशि में बैठा है और उससे दो भाव में सूर्य बैठा है। तो ये प्रभाव अपने आप में क्या कह रहे हैं, चार भाव आपका घर हो गया, आपका घर जहां होगा वही सिटी कही जाएगी कि ये नेटिव उस सिटी में रहता है। तो गुरु के ऊपर सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव आने की वजह से यहां ये प्रेडिक्शन दिया जा सकता है कि ये नेटिव बहुत ही बड़े शहर में रहता है और स्पेशली जब जब गुरु से दो भाव में सूर्य सिंह राशि का होकर बैठा हो। बात आती है कि ये नेटिव नेम और फेम भी अचीव करेगा। नेम और फेम कैसे, नेम फेम का कारक है सूर्य। अब गुरु से जब दो भाव में सूर्य बैठेगा सिंह राशि का होकर और उस पर प्रभाव होगा चंद्र का और शनि का, तो ऑटोमेटिकली ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत फेमस होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और फिर आप शायद बोर होने लगे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं शेयर कर रहा आपके साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी मैरिड लाइफ के बारे में शेयर करूंगा, जो कि यहां ऋषि ने लिखा है कि इसकी वाइफ भाग जाएगी, इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसको टेक्निकल जॉब मिलेगी और इसकी दूसरी शादी होगी। इन सब का क्या प्रेडिक्शन है, क्या कारण है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।